फ्रेंड्स, हम यहाँ आए हुए हैं छत पर और आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पर और मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैंने बोले चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। छोटा सा गार्डन है ये, तो आप लोगों को ये ग्रीन मैट देखकर लग गया होगा मैं गार्डन में आई हूँ, वो भी छत के गार्डन में। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज ब्लॉग में कुछ खास है जो कि आप लोगों को देखने मिलेगा। मैंने अपना मेकओवर किया है, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा और प्लीज़ लाइक करना। ब्लॉग तो स्टार्ट हो चुका है पर लाइक कर देना, क्योंकि समझ सकते हो आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके एक लाइक से बहुत सारी यानी एक एनर्जी से आ जाती है कि नहीं चलो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है इसलिए। और ये देखो छोटा सा गार्डन है, इसमें ना कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं। तो देखो ये टमाटर हैं जो कि छोटे टमाटर हैं, ये टमाटर बहुत ही खट्टे होते हैं। और इधर पर कद्दू लगा हुआ है जो कि ये देखो सीताफल भी कहते हैं इसको, कद्दू लगा हुआ है। और ये है किट जिससे मैं फेशियल करूँगी। और ये देखो गोल्ड किट फेस वॉश बहुत अच्छा है, इसमें 4 क्रीमें हैं जो कि हमको स्टेप बाय स्टेप मसाज करनी होगी। तो ये हैं, बट मुझसे बन नहीं रहा था इसको निकालते हुए क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से निकाल रही थी। तो ये हैं क्रीमें वो, तो ये फेस वॉश है जो कि दिया गया है, गोल्ड का ही फेस वॉश है, बहुत अच्छा निखार आएगा। और इस किट को मैंने मंगाया क्योंकि मैंने बहुत दिन से अपने चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं लगाया था, तो मैंने बोली चलो थोड़ा सा यहाँ पर आई है तो ये अपना थोड़ा सा मेकओवर कर लेते हैं, थोड़ा फ़र्क तो आएगा चेहरे पर। तो ये देखिए, वैसे मेरा नेचुरली जो भी कुछ भी, आप लोगों को पता है कि मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ ऐसा फेस में, बट मैं यही अप्लाई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा निखार आता है। तो आप लोगों के सामने ही मैं स्टेप बाय स्टेप, मसाज है, फेस पैक है, स्क्रब है और जो भी जेल है तो वो मैं लगाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा, ये फेस वॉश दिया गया है, तो ये है फेस वॉश। और इसमें एक ब्लीच भी आया था, तो जो कि ब्लीच मैंने गोल्ड का ब्लीच था तो वो मैंने कर लिया है एक दिन पहले ही। और ये हमको पूरा 260 यानी 260 रुपीज़ का पड़ा है। और ये है नूडल्स, तो आइए आप लोग भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, तो आप लोग कैसे हैं? और अभी दोपहर का समय हो रहा है तो मैंने चलो आप लोगों से बातें कर ली जाए और ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो बाहर आई हुई थी और कुछ दिख रहा है यहाँ पर, आप लोग देखिए ये मैंने जूड़ा अलग से लगाया हुआ है तो मैंने लगा लिया। मैं जा रही थी आज अपना मेकओवर करने के लिए, मैंने बोला चलो, सिस्टर कह रही थी कि कैसी लग रही है, थोड़ा सा कुछ कर लिया जाए। तो हम एक किट लेके आए हैं तो हम फेशियल करने जा रहे थे, तो नहीं चलो मेकओवर करते हैं। तो ये देखो, और ऊपर यहाँ पर आप लोगों को बिल्लियाँ दिख रही होंगी, दो दो बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। ये फूल लगा हुआ है, देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये फूल। तो चलो करते हैं अपना मेकओवर। मम्मी हमारी बैठी हुई है वहाँ पर और थोड़ी सी तबीयत क्या पता कैसी हो गई है, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैंने चलो अब बना लेते हैं थोड़ी सी वीडियो। और मैं ये लेके आई हूँ ब्लीच, तो सबसे पहले ब्लीच है, तो ब्लीच तो मैंने कर लिया है कल और आज मैं करूँगी स्टेप बाय स्टेप जो फेशियल रहता है। तो मसाज करना है मुझे, इसमें क्रीम दी गई हैं और बहुत ही कम रेंज में है और बहुत अच्छा है। हम जैसे पार्लर जाते हैं वहाँ पर फेशियल करवाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही चार्ज लग जाता है, हम अपने घर पर ही ब्लीच कर सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चल जाता है। ये गोल्ड ब्लीच है, फेयरनेस ब्लीच क्रीम, और बहुत अच्छा है। इसमें एलोवेरा जेल ऑयल फ्री भी आता है, एक ठो पैकेट आता है तो वो भी फ्री आता है और बहुत अच्छा भी है। और मैंने कर लिया है ये ब्लीच, तो मैंने कल कर लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक से नहीं थी। तो और ये जूड़ा कैसा लग रहा है बताइएगा, ये मेरे बाल नहीं है, नकली बाल है, मैंने बना लिए। मैंने ली मैं जा रही हूँ फेशियल करने, तो मुझे बाल डिस्टर्ब ना करें इसलिए मैंने लगा लिया। और ये है गोल्ड किट फेस वॉश, इसमें ना क्रीमें दी गई हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इन क्रीमों से स्टेप बाय स्टेप मुझे अपना फेशियल करना होगा
और फिर देखते हैं क्या निखार आता है, क्या होता है। तो वैसे कल मैंने जो ब्लीच किया है उससे थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, आप लोग खुद देख सकते हो। स्किन थोड़ी ठीक लग रही है, पहले की अपेक्षा तो ठीक ही लग रही है। तो चलो रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पैकेट में से क्रीमें निकाल लेते हैं। तो ये चार प्रकार की क्रीमें हैं, जिसमें एक स्क्रब है और एक क्रीम है, एक फेस पैक है और जेल है। तो हम स्टेप बाय स्टेप यानी मसाज करते हैं। तो पहले मैंने स्क्रब ले लिया है। तो स्क्रब में थोड़ी देर मसाज करेंगे, 3 से 4 मिनट, ज़्यादा मसाज नहीं करना है इसमें, क्योंकि स्क्रब आप लोगों को पता है दानेदार होता है। तो ज़्यादा मसाज करने से हमारी स्किन वैसे ही सॉफ्ट रहती है। तो हल्के हाथों से उंगलियों की सहायता से मसाज करेंगे। तो ये देखो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। वैसे फेशियल करने का थोड़ा सा अलग ही ट्रिक रहता है, जितना मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो इस तरीके से मसाज कर रही हूँ मैं, और इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, पर जो भी मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो इस तरीके से मसाज कर रहे हैं, यानी फेशियल करने का भी अलग ही ट्रिक रहता है। तो ये देखो अभी आज तक के, यानी जब से मैंने चैनल क्रिएट किया है अभी तक मैंने आप लोगों को ये फेशियल नहीं बताया था, पर मैंने बोले चलो ये भी वीडियो जाना चाहिए चैनल पर, आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये देखो स्क्रब का मैंने कर लिया है, यानी मसाज कर लिया। उसके बाद हम लगाएंगे जेल। इस पैकेट में लिखा हुआ है कि आपको किस क्रीम की मसाज कितने टाइम तक करनी है, तो वही मैं करूँगी। अगर मैं पूरा आप लोगों को बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर दिया है और थोड़ा सा क्लिप मैंने कट कर दिया है, क्योंकि मसाज मैंने बहुत देर तक की थी इसलिए। तो ये मैंने जेल लगाया हुआ है। तो जेल, नाम जेल है, पर इसमें देखो कितना, यानी ऐसा लग रहा फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं, एडिटिंग करते समय समझ में आ रहा है। और मैंने कुछ भी ऐना नहीं लिया था, यानी आईना नहीं लिया था, ऐसे ही मोबाइल में देखकर यानी क्रीमें अप्लाई कर रही थी। तो ये देखो इसको मैं लगा लेती हूँ, इसकी भी मसाज इसी तरीके से कर लेंगे। पर इस क्रीम की मसाज मुझे 8 से 10 मिनट तक यानी पैकेज में लिखा था, बट मैंने इतना नहीं किया, यानी 5 मिनट करीब किया था मैंने इसको। हम अपनी गृहस्थी में और अपने परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए कुछ टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था, यानी मम्मी के यहाँ, तो मैंने बोली चलो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लो। तो मैंने ये कर रही हूँ मैं। तो चलो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। लास्ट क्रीम है जो कि है फेस पैक, तो हम इसको अब लगा लेते हैं और थोड़े टाइम यानी 10 मिनट तक लगाकर हम रखेंगे इसको। उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। तो नॉर्मल पानी से मैं वॉश करूँगी, फेस वॉश भी नहीं मैं अप्लाई करूँगी, जो कि इसके साथ दिया गया है वो मैं नहीं यूज करूँगी, मैं सिर्फ नॉर्मल पानी से यूज करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा यानी ग्लो आया है मेरे चेहरे पर। तो ये मैंने अच्छे तरीके से फेस पैक लगा लिया है और बस आँखों में नहीं लगाया, क्योंकि आँखें मुझे बचानी थी। तो ये देखो
और मेरे पूरे हाथों में ना गोल्ड गोल्ड यानी ऐसा लग रहा था मैंने कुछ लगाया हुआ है पूरे हाथ में, जैसे फाउंडेशन नहीं लगाते उस तरीके से वाइट वाइट हो जाता उसी तरीके से मेरे हाथों में दिख रहा था। ये देखो, ये वैसे आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो चलो हम ये सब सारी क्रीमें रख देते हैं, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर से। मनोज चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हो गया ना मेरा मैकओवर, हमेशा आप लोगों को साड़ियों में दिखती हूँ तो आज मैंने सूट पहन लिया है, तो मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत दिन से अपना मेकओवर नहीं किया था मैंने, और ये हाथ में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिया क्या है, तो ये जूड़ा है, तो ये मैंने लगाया हुआ था फेशियल करते समय। तो ये मैंने बोला चलो आप लोगों को दिखाते हैं कि है क्या। तो अच्छा लग रहा था मुझे, और मुझे ऐसे ही बालों का कलर बहुत पसंद है, ये सुनहरा कलर है, मुझे बहुत पसंद है ये। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा। मेहनत तो वैसे सभी लोग करते हैं वीडियो पर, हमारा अलग से क्या है कि हम अलग से बोले कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। वैसे सभी लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि जो जो YT पर हैं तो वो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो बस मुझे ये आप लोगों से कहना है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, कि जिसमें आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है कि चलो मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों को पसंद आई। तो प्लीज़ मुझे यानी वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा, और फिर आप लोग जो भी मेरे चैनल पर न्यू विज़िट करें तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसमें मेरे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हमारी श्रेया भी खड़ी हुई है गुड़िया को लेके, और हमारी श्रेया क्या पहनी हुई है, शरारा शरारा। और गुड़िया हमारी, देखो ये हमारी गुड़िया गुड़िया, देखो अपन इसको हंसाते हैं, ठीक है, गुड़िया गुड़िया नहीं हंस रही है, हंस नहीं रही है गुड़िया। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर से।